गत शाम को भितरवार के विभिन्न क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने भितरवार तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव ने पटवारी और गिरदावरों को साथ लेकर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का तत्काल दौरा करके ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और पटवारियों को नुकसान की रिपोर्ट बनाने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार श्रीवास्तव ने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट श्रीमान कलेक्टर महोदय को भेजी जाएगी, तत्पश्चात वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं ओलावृष्टि हुए गांवों में जनप्रतिनिधि भी फसल का जायजा लेने पहुंचे और किसानों से कहा कि सरकार द्वारा यथासंभव मदद आपको दिलाई जाएगी, इस बुरे समय में सरकार आपके साथ है। भितरवार मध्य प्रदेश से के शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। गांव में 100% नुकसान हुआ है, मुख्य रूप से गेहूं की फसल थी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। गाय भैंस जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। अब गांव वालों की आस है शासन प्रशासन जल्द से जल्द अपना ध्यान आकर्षित करें, गाँव में सर्वे कराएं और उचित मुआवजे सभी किसान भाइयों को मिले, यही सब लोगों का निवेदन है शासन प्रशासन से। आपका बलजिंदर सिंह, कौन सा गांव है? दुई। क्या नुकसान हुआ आपका? ओलावृष्टि कितने हुए? कितना नुकसान हो गया आपका? सब खत्म ही है, पूरा खत्म है। कौन सी फसल थी? सरसों गेहूं है। अच्छा, और सरसों तो बिल्कुल तैयार थी, पकी हुई। यहाँ पे कौन से अधिकारी पहुंचे हैं अभी? क्या मांग क्या है आपकी? मांग क्या है आपकी? मांग क्या है कि अब मुआवजा दिया जाए, सर्वे सर्वे हो अच्छी तरीके से और मुआवजा दिया जाए। किसान तो वैसे ही परेशान है, सब ये पानी मानी लगा के अभी बिजली के बिल जैसे भरे हैं, कहाँ से भरे हैं आदमी ने, यही के ऊपर भरे। तो आपकी मांग बिजली के बिल माफ की मांग क्या? जे भी हो गया ये खेती में ही लगाओ और कहाँ में लगाओ। संजय परिहार, ये देखिए हमारी जो आलू की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। कहने का मतलब ये है जो रात्रि में बारिश हुई थी, जैसे कि जब बारिश हुई थी उसका ओला पड़ा हुआ जो अभी तक सुबह रात्रि से लेकर सुबह तक अभी तक ये ओला पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी गला नहीं है यहाँ पे, जो कि कल अभी तक पड़ा हुआ जैसे हो चुके हैं उसको 24 घंटे 12 से 12 घंटे के लिए हुआ था, जो भी अभी तक गला हुआ नहीं है जी, यहाँ तक पूरी भारी भरकम में बारिश हुई थी, जिसके कारण आलू की फसल और सरसों जैसे आलू जो भी हमारा जो बागवानी लगी हुई है पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इधर बताओ, बीती शाम को ओलावृष्टि हुई थी, उसमें काफ़ी गांव प्रभावित हुए भितरवार तहसील की, आपने भी सर्वे किया क्या कुछ? आज सुबह से राजस्व विभाग की टीम, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, हम लोग कलेक्टर साहब के निरीक्षण में लगे हुए हैं, मौके का निरीक्षण किया है, गांव-गांव में गए हैं, लगभग प्रभावित प्रत्येक गांव में गए हैं, सभी गांव में टीम पहुंची है और जहां भी इस प्रकार का नुकसान या क्षति का प्रारंभिक आकलन हुआ है उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने दे दी है। 3 दिन के बाद में फिर इसका पुनः अंतिम आकलन किया जाएगा, 4 दिन के बाद में वो फाइनल रिपोर्ट हो जाएगी और जो भी पात्र पाया जाता है उसको बिल्कुल निश्चित रूप से उसको मुआवजा और आर्थिक क्षति शासन के नियम के निर्देश के अनुसार दी जाएगी।